हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ टिप्स जो आपकी स्किन को फेयर और ग्लोइंग बनाने में मदद करेगा। हर लड़की चाहती है कि उसकी त्वचा साफ और गोरी दिखे। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। अगर हम बाज़ार से ख़रीद कर ब्यूटी प्रोडक्ट लाते हैं तो वो केमिकल से बनी होती है जो हमारे त्वचा के लिए हानिकारक होती है। अच्छा होगा हम होममेड तरीका अपनाएं। आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ तरीके लेकर आए हैं। पहला, खूब सारा पानी पीजिए। इससे शरीर से गंदगी बाहर निकलती है और बॉडी में नए सेल बनते हैं। हर दिन कम से कम एक गिलास ताज़ा फलों का जूस जरूर सेवन करें। इससे आपकी त्वचा ग्लो करेगी। अगर आप पढ़ाई करती हैं या जॉब करती हैं तो देर रात तक आपको जागना पड़ता है, लेकिन आप 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। ग्रीन टी का प्रयोग करें। ज़्यादा दूध और शक्कर वाली चाय हमें नुकसान पहुंचाती है। केले के मार्क्स का उपयोग करें। इसे बनाने के लिए केले को मैश करके उसमें शहद और नींबू की कुछ बूंदें मिला लें। पेस्ट को गर्दन और चेहरे पर अप्लाई करें। 15 मिनट बाद फेस को धो लें। ऐसा हफ्ते में एक बार ज़रूर करें। चेहरे पर स्क्रब का प्रयोग करें। स्क्रब बाज़ार में भी मिलता है और आप चाहें तो घर पर भी बना सकती हैं। थोड़ी सी चाय पत्ती को गुलाब जल या दूध में 2 मिनट के लिए भिगोएं, फिर इससे स्क्रब करें। दिन में कम से कम 2 बार चेहरे को धोके उसमें गुलाब जल लगाएं। अगर आप 25 साल से अधिक उम्र की हैं तो अपने चेहरे पर हर महीने फेशियल ज़रूर कराएं। धूप में निकलने से पहले किसी अच्छी क्रीम कंपनी का सनस्क्रीन जरूर लगाएं। हफ्ते में एक बार किसी अच्छे तेल से चेहरे का मसाज करें। आप अपने मसाज के लिए नारियल, जैतून या बादाम में से कोई भी तेल चुन सकती हैं। रुई की सहायता से चेहरे पर का एक्सेस ऑयल जो है उसे साफ कर लें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फेस को हल्के गर्म पानी से धो लें। चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाएं। थोड़े से टमाटर के पेस्ट लें, इसमें एक बूंद नींबू का रस डाल दें और चेहरे पर लगाएं। इससे आपके चेहरे के ओपन पोर्स बंद हो जाएंगे। अगर आप अपने चेहरे पर मेकअप यूज़ करती हैं तो उसको क्लींजर से साफ करना ना भूलें। आप मेकअप उतारने के लिए कोई भी ऑयल का भी प्रयोग कर सकती हैं, जैसे नारियल का तेल। सोने से पहले चेहरे को सादे पानी से धोकर मॉइस्चराइज़र लगाना ना भूलें। ये कुछ टिप्स है दोस्तों, जिसके को प्रयोग कर करके आप अपनी स्किन को फेयर और ग्लोइंग बना सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।